दोस्तों आज का ब्लॉग मैं लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, आपको पसंद आएगा। मैंने आज ट्राई किया है ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कानपुर की एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो कि काफ़ी फेमस है, कानपुर के लोग बहुत उसको अच्छे से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं जो वहाँ आने के प्लान में हैं उनके लिए ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में इसका कुछ जो सच है वो भी बताया है, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो हाय गाइस, निकल चुके हम लोग ब्लॉग के लिए। तो इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, सुबह के 5 बज रहे हैं इस समय। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो निकलते हुए आपको पूरा सीन दिखाएंगे सब कुछ कि सुबह के टाइम पर रोड कैसी होती है यहाँ से लेके बैराज तक की, जो हम लोग डैम जा रहे हैं यहाँ पे घूमने। तो भाई बताओ कहाँ चल रहे हैं? बैराज चल रहा है, मजा आएगी ना फुल। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग, निकलते हैं बैराज के लिए। यार अभी फिलहाल हमारी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम था, तो पेट्रोल भराने आए हैं, तो भरवाते हैं पेट्रोल। तो भाई देखो इस समय सुबह के मैं दिखाया 5:15 हो रहे हैं करीब, ये देख। तो भाई ये देखो यार कितने लोग टहल रहे हैं, सब लोग, इतनी भीड़ है। तो भाई देखो यार कितने लोग टहल रहे थे, और ये देखो मेरे पीछे एक भाई हैं। तो यार भाई फुल मेहनत कर रहा है, तो बस यही है, इतने लोग की मेहनत है। और जो भी एयरफोर्स या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं। तो बस आप व्लॉग देखो अब। बड़े ये सब क्या कहते हैं मार्ट, हॉस्पिटल्स, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर्स का एरिया है, ईटिंग प्लेसेस। तो ईटिंग प्लेस यहाँ बेस्ट ईटिंग प्लेस, आप अगर कानपुर में रहते हो तो आप जानते होंगे कि सरूप नगर से अच्छी ईटिंग प्लेस और कहीं नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ के ये फ्लैट देखिए, दक्षिणम सारी, ठीक है एकदम भाई, सरूप नगर का। तो आ चुके हम लोग अपने बैराज में भाई, एकदम तकड़ा मौसम हो रखा है पूरा, देखो मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखना, मैं फोकस कर रहा, तकड़ा मौसम हो रखा है, आई लव कानपुर लिखा पड़ा है यार, देखो ये एक्सपर्ट है अपने भाई, ये हर दिन हर संडे आते हैं ये। देखो यहाँ बंदर अंदर भी है कुछ, एक वो बंदर है यहाँ पर भी, देखो हाँ। तो यार देखो हम लोग इस समय आ चुके हैं अपना गंगा बैराज में, तो मौसम अच्छा हो रखा है पूरा बढ़िया, तो
आपको पता है कानपुर में बहुत सारी कम चीजें हैं, इतना बढ़िया चीज है नहीं कोई घूमने लायक, मतलब कि बहुत छोटा सा है हमारा कानपुर, बस कुछ चंद चीजें यहाँ घूमने के लिए। तो इसमें डैम जो है वो लोग काफी ज्यादा इसको मतलब कि यहाँ पॉपुलैरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग इस सुबह भी लोग काफी प्रेजेंट है। दिखाओ भाई लोगों को, दिखाओ, काफी ज्यादा लोग प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो ये डैम था इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था बनना 1995 से, डैम बनना चालू हो गया था, और ये जो है ये कंप्लीट हुआ था 5 साल बाद मई 2000 में, ठीक है, तब ये कानपुर डैम बना था। इसका पहले नाम कानपुर डैम ही था, पर जो कि कट गंगा डैम जो कि कट करके अब गंगा बैराज हो गया है, फेमस लोग बैराज बैराज बोलते हैं इसलिए, तो विकीपीडिया में भी ये बैराज में आता है। यहाँ पे आप जैसे जानते हैं कि रामायण में जो लवकुश थे उनका जन्म तो कानपुर में हुआ था, जो कि हमारा बिठूर है। अगर आपको वहाँ का ब्लॉग चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं दे दूंगा। तो जो उनका जो जन्म हुआ था बिठूर में हुआ था, तो इसलिए इस डैम का नाम पहले था लवकुश डैम, जो कि चेंज होकर बाद में गंगा बैराज हुआ है, गंगा डैम से गंगा बैराज। इस डैम में आप मानोगे नहीं, इस डैम में 303 करोड़ रुपये लगे हैं भाई, 303 करोड़ रुपये में ये डैम बना है। तो इतनी सरकार ने उस समय इतना इन्वेस्ट किया था इस डैम में, और ये कम से कम नहीं तो 621 मीटर इसकी लेंथ है, मतलब ये 621 मीटर बड़ा है। तो आपको इसकी एक खूबसूरती दिखा दूं, I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette, I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me, I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the... जो आपको मैंने अभी दिखाया वो था गंगा जी, ठीक है, ये गंगा जी है, तो एक तरह से आप मान सकते हो एक तरह का पुल है कि उस पार गंगा जी है, तो आपको इसका नाम गंगा डैम है। तो आपको आप डैम दिखाते हैं जो कि हमारे उस तरफ बना हुआ है डैम, तो जब आप आएंगे तो आप वहीं से आएंगे, कि आने वाले उधर से आ रहे हैं और जो जाते हैं वापस उनका इधर से रास्ता है, ठीक है, तो उधर डैम है तो वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बाकी जो पानी है यार दूर में मेरे ख्याल से यार काफ़ी भरा हुआ था ना, ये उस तरफ खाली हो गया है, दिखाते हैं आपको। 112 फीट हाँ पानी जो है वो उस साइड भरा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जो ये लाइन है ना इसके उस तरफ पानी भरा हुआ है, जो ये यहाँ पे सैंड सैंड सी है यहाँ पर ही पूरा पानी भरा हुआ था जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भरा हुआ था। तो अभी का पता नहीं यार, बारिश जब की ठीक ठाक हो गई थी पर पता नहीं भाई, नाव वाव सब कुछ है यहाँ पे यार। तो हम लोग चलते हैं उस पार, तो ये है हमारा गंगा डैम, जो है काफी पानी भरा हुआ था यार, जो ये खाली आपको दिख रहा है ना, ये जगह जो है इस साइड काफी पानी भरा हुआ था, इस जगह पूरा पता नहीं है इतना पानी कैसे कम हो गया। बाकी आप बाहो देख सकते हो इसका, यही तो डैम है, हाँ यही डैम है, ये देखिए, तो ये देखिए पीछे बंदर बैठा हुआ है हमारे, तो भाई आराम से मस्त, इसको डिस्टर्ब करना थोड़ा मना है क्योंकि इसने बच्चों के थोड़े जो मुंह है वो काट लिए हैं, तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि और एक चीज जो मैंने थंबनेल लगाया था गंगा बैराज द डेथ पॉइंट, तो इसको डेथ पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पहला जो सुसाइड हुआ था मेरे ख्याल से मुझे कम याद है जो 2010 में किया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ सुसाइड रेगुलरली होते गए, 2012 में हुआ, फिर एक 2014 में सुसाइड हुआ था 27 जून को, जिसमें एक मर्चेंट की पूरी फैमिली यहाँ सुसाइड करने आई थी, तो भगवान की दया से वो लोग बच गए। और जो रीसेंट सुसाइड्स हुए हैं वो अभी लास्ट टाइम हुआ था 2019 में, एक हुआ था आपका 28 अगस्त को और 2 सितंबर को, तो ये 4-5 में गैप सुसाइड हुए थे, तो ये भाई 4-5 दिन के गैप में ही सुसाइड ये 2 हुए थे, जिसमें से एक BCA की स्टूडेंट ने किया था और जो वो था वो एक लड़के ने आके सुसाइड कर लिया था, जो BCA की स्टूडेंट थी वो शायद नहीं बच पाई थी,
और लास्ट टाइम 2020 में अभी वन मंथ पहले यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया था, तो क्या हुआ वो डायरेक्ट जब कूदा तो बहुत टाइम बाद लोगों को पता चला जब उसकी बॉडी ऊपर आने लगी कि भाई किसी ने कर लिया है, तो नीचे जाके जो आपको मैंने बोट दिखाई थी चल रही है, ये लोग रेस्क्यू टीम है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ की रेस्क्यू टीम है कि जो लोग यहाँ पे सुसाइड करने का ट्राई करते हैं या करते क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, होगा कुछ उनका मेंटल रीजन, मेंटली कुछ इतने वो लोग स्ट्रेस्ड होंगे, तो वो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे रेस्क्यू करती है आगे। तो बस यही था यहाँ का एक डेथ पॉइंट, इसको इसलिए बोलते हैं। बाकी मेरा जो सजेशन है वो कि लोग ये सब ना करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन कोई बात नहीं यार। तो बाकी आप यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, पूरा खूबसूरत सा माहौल है। तो मैं तो मेन रोड में बैठा हुआ हूँ, दिखाओ भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब कुछ चलता है भाई, पूरे सपोर्टिव है अपना काम पर, लोग घूमने आते ही रहते हैं बस। बाकी आपको अगर पिठूर का ब्लॉग चाहिए जो मैंने बताया था, उसका पहला नाम लवकुश था, तो उसका ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, और यार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना यार। बस मिलते हैं आपसे आगे अभी थोड़ी देर में। तो देखो यार पब्लिक, इस समय हो चुकी है सुबह, पुलिस लग चुकी है जम के, तो अपने को पहनना पड़ रहा है मास्क। यहाँ है पुलिस चौकी, ठीक, ये जो जगह दिख रही है खाली, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ लगती थी मैगी, ठीक, यहाँ से लेके आगे तक लगती थी मैगी, जो कि इस समय बंद चल रही है। मुझे नहीं पता कि बैराज में लोग हमेशा कोरोना टाइम में लॉकडाउन तक में आए हैं, तो शायद इस वजह से कुछ हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी भी आए थे, और इसी के अगर आप आगे चले जाएंगे तो जो विकास दुबे वाला केस हुआ था वो आगे ही हुआ था, ठीक है। बस बाकी हम लोग यहाँ से घर चलेंगे अपना। ये यार देखो मुझे भी खराब लग रहा है, यहाँ लगती थी पूरी मैगी यार, मन था खाने का भाई, एक नंबर आगे, एक नंबर मैगी मिलती बना यार, प्यारी मैगी आती यार। चलो कोई बात नहीं, बस फिर कभी आएंगे दिखाएंगे आपको, आप लोग का बस प्यार बना रहे। आज मेरे 228 सब्सक्राइबर्स हैं, जब अगली बार आए तो भगवान की दया से 228K हो, तो ज़्यादा पब्लिक हो बस। बाकी ये पूरी चेकिंग लगी रहती है यहाँ पे, वो देखो उस तरफ जो है पिटूर रोड है, उस तरफ इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं आप। तो यहाँ जब आए तब कैसा था हालत देखिए। तो गाइस ये देखो, ये साइड जो है ना, ये देखो ये, और ये यहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो 2021 के लास्ट तक यहाँ मेट्रो बन जाएगी। ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है हाँ। तो नेक्स्ट ब्लॉक में मैं आपको पहले से एक तरह के कह सकते हैं स्पॉइलर दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे लोग खेलते भी हैं क्रिकेट, कमेंट कर भर देना है कमेंट सेक्शन में, कम से कम मुझे नहीं तो यार 30-40 कमेंट करना है यार, जो वीडियो देख रहा है कमेंट छोड़ देना, बताना जरूर कि आपको देखना है मोती झील और ये सब कानपुर के जितने प्लेसेस को विजिट है कि नहीं, ये ब्लॉग देखना है कि नहीं, प्लीज बता देना यार। दिखेगा ठीक है, मतलब घोस्ट यहाँ पे दिखे हैं लोग को एकदम एग्जैक्ट, रात के 10 बजे के बाद यहाँ पे जाना मना है, पर हम लोग किसी भी तरह परमिशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो हम लोग का आएगा वो शायद अभी से, जब तक मेरे 600 सब्सक्राइबर पास नहीं होते तब तक मैं ब्लॉग नहीं लाऊंगा, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं तरह तरह के ब्लॉग एकदम बहुत मज़ेदार एकदम फाड़ू ब्लॉग लाएंगे हम लोग, ठीक है, तो फाड़ू ब्लॉग लाएंगे हम लोग भाई। बस चैनल को प्यार देते रहो, 600 सब्सक्राइबर्स जल्दी करवा दो, जल्द से जल्द भाई। बस जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को, देख ली वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो काफी ज्यादा जहर आने वाली, जल्दी से हम लोग को यार 1K सब्सक्राइबर करने हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।